नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। स्वागत है आपका इस कृषि बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं कुछ टॉप हेडलाइंस पर। कॉफी उत्पादकों के मजदूरी में होगी कमी, वैज्ञानिक बना रहे ये खास मशीन। G20 सम्मेलन में कृषि उत्पादकों की मची धूम, दुनिया में बढ़ेगी मांग। सरकार ने किसानों को जल्द भुगतान करने के लिए चीनी मिलों से कहा तेजी से करें निर्यात। बारिश में बह गई खेतों की जमीन, फसलों का हुआ भारी नुकसान। मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर में है गजब के फीचर्स, खेती से जुड़े सभी कामों को करेंगे आसान। अब खबरें विस्तार से। हमारे देश की कई बड़ी संस्थान किसानों की खेती बाड़ी में मदद करने के लिए कई तरह की बेहतरीन मशीनों को तैयार करती है। खेती में मशीनों के आने के बाद से ही किसानों की मेहनत के साथ समय की भी बचत हुई है। इसी कड़ी में कई सरकार और निजी संस्थान किसानों के लिए नए नए उपकरणों को तैयार करती रहती है। इसी कड़ी में हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने कॉफी की कटाई के लिए एक बेहतरीन हार्वेस्टर मशीन तैयार कर रही है, जिसकी मदद से कॉफी मशीनों की मजदूरों की लागत 50-60% तक की कम हो सकती है। बता दें, इस संदर्भ में जब किसानों से बात की गई तो उनका कहना है कि कॉफी की कटाई में उनका लगभग 65% तक खर्च होता है। वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की जा रही मशीन से किसानों की ये लागत बचेगी। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सदस्य देशों के राष्ट्रपति और नेताओं ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, देश के कुछ सांस्कृतिक प्रदर्शनों और अद्भुत भोजन का भी आनंद लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उसके अलावा विश्व नेताओं को अपने देश में कुछ अद्भुत उपहार भी ले जाने का मौका मिला। रिपोर्टर्स के अनुसार भारत सरकार ने G20 राष्ट्राध्यक्षों का और अपने देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के विशेष उपहार प्रस्तुत किए। इसमें हस्त निर्मित कलाकृति और उत्पादों का एक क्यूरेटेड संकलन शामिल है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हैम्पर में उपहार की वस्तुओं में विशेष कश्मीरी केसर, सुंदरबन से मैग्रोव शहद, विशेष इत्र और एक पश्मीना शॉल जैसी वस्तुएं थी। नेताओं को चाय के शैंपेन कहे जाने वाली पीको दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय भी दी गई। देश में चीनी की कीमत स्थिरता और देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए एक अन्य उपाय के रूप में गन्ना उत्पादन के प्रारंभिक अनुमानों का आधार पर भारत सरकार ने चीनी सीजन 2022-23 के दौरान 60 LMT तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी है। DGFT ने पहले ही चीनी निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी के तहत शामिल करने को 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा चीनी निर्यात में तेजी लाने और निर्यात कोटा के निष्पादन में चीनी मिलों के लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए मिले आदेश जारी होने की तारीख के 60 दिनों के भीतर कोटा को आंशिक रूप से या पूरी तरह से सरेंडर करने का निर्णय ले सकती है। घरेलू कोटा के साथ निर्यात कोटा की अदली बदली भी कर सकती है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पिछले 2 दिनों से विदर्भ और मराठवाड़ा में फिर बारिश शुरू हो गई है। 1 महीने से हो रही बारिश से बड़े स्तर पर फसलों का नुकसान हुआ है, साथ ही कई जगहों पर जमीन का कटाव भी हो गया है। फसल नुकसान तक तो ठीक, लेकिन जमीन कटाव ने किसानों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि इसकी भरपाई आसान नहीं। कृषि विज्ञान के अनुसार नागपुर जिले में करीब 2 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि 350 हेक्टेयर कृषि भूमि फसलों के साथ बह गई है। इसके नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश के सीजन की शुरुआत में ही इतने नुकसान का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। अब किसान और विपक्षी दलों के नेता मांग कर रहे हैं कि बिना पंचनामा और औपचारिकता और फसल निरीक्षण के किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाए। किसान के लिए ट्रैक्टर रीढ़ की हड्डी होता है। कहने का मतलब है कि आज के दौर में उन्नत खेती करने के लिए किसानों को अपने खेत में नई तकनीकों ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी क्रम में देश विदेश की कई बड़ी कंपनियां भी किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन नई तकनीक के ट्रैक्टरों को तैयार करती रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में CMERI ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को लॉन्च कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर खेती से जुड़े सभी कामों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस ट्रैक्टर का नाम CSIR प्राइमा ET11 इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है। मिली जानकारी के अनुसार ये ट्रैक्टर CMERI ने CSIR के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खेत में डीजल के मुकाबले कम खर्च में इलेक्ट्रॉनिक से अपना काम करता है। बता दें, ये एक मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर है, जो छोटे साइज में बड़ा धमाका है, क्योंकि ये खेत के हर एक बड़े से बड़े काम को मिनटों में पूरा करने की क्षमता रखता है।
दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर विजिट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम कृषि खबरों को जानने के लिए बने रहे कृषि जागरण के साथ।